गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट है। लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रिंगल, उसके एप्लीकेशन, सर्कल। ट्रिंगल और ट्रिंगल एप्लीकेशन डिफरेंट पार्ट था, तो सर्कल था वो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट था। तो हमने देखा था सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन। तो हम आज देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो दिस इज अबाउट मी, मेरा नाम है वो मुकेश कुमार यादव है। मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो एमटेक है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो मैं एक एज ए सीनियर डिजाइन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। जो मेरा हॉबीज है वो टीचिंग है, स्विमिंग है एंड बुक्स रीडिंग है, एंड दिस इज अबाउट मी। सो मूव होते हैं अपने सिलेबस पे। ये जो सिलेबस देखिए, अभी हम लोगों ने हम स्टार्ट किए हैं यूनिट सिक्स। इसमें है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम देखेंगे, अभी जो मैंने देख कवर किया था वो सर्कल कवर किया था। नेक्स्ट जो अभी आ रहा है कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो आएगा टॉपिक वो आएगा आपका सर्कल एरिया, और लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वॉल्यूम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। सो मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता क्या है? कंस्ट्रक्शन का बेसिक जो फंडा होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, उसकी हेल्प से कोई आप ज्योमेट्री या कोई फिगर को आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं विद सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब क्या है? ये डायमेंशन है। आप कोई बोलेगा कि आपको मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने तो आपके पास सिंपल दो पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो जो आप ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है आपका, ओके। या कोई बोलेगा इस लाइन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो आपको आपके पास क्या ओनली दो पॉइंट्स है, या इस लाइन की लेंथ दी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा उस पर कंस्ट्रक्ट करना है उस गिवन इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन का जो पहला पॉइंट है, देखिए इसमें दो है, एक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल है। ये दो टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। सो पहला हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में, जो पहला कंस्ट्रक्शन आता है, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। सपोज दैट अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि एक लाइन ए बी, इसको इसकी लेंथ सपोज 5 मीटर है। अब कोई बोल दिया इसको आपको एक रेशियो में डिवाइड करना है, रेशियो क्या होती है, 3:2 हो जाएगी, या 4:1 होगा, या 2:3 होगा। देखिए द सम ऑफ दिस रेशियो शुड बी 5। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइन सेगमेंट डिवाइड करना है, तो वो एक डिस्क्रीट डिवीजन करना है। ये नहीं देगा आपको कि एक लाइन सेगमेंट है उसको 3.5 में डिवाइड करिए। ये आपके लिए थोड़ा होगा, इससे ये भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपके एग्जाम में ये सब नहीं आता है। आपके एग्जाम में जो आता है वो सीधा, बट आपको ध्यान रखना है कभी भी इसी रेशियो में देगा। तो अगर इस रेशियो में आपको क्वेश्चन आते हैं, सपोज एक लाइन है, अब मुझे लाइन को एक लाइन ए बी में ड्रॉ करता हूँ, सपोज दैट एक लाइन ए बी में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ए बी है, ओके, लाइन ए एंड लाइन बी। अब इस लाइन को मुझे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, इनका सम हम निकालेंगे। ये मैं 5 अभी नहीं लिखता हूँ, इनका सम निकालेंगे। लाइन ए बी दे दिया आपको, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो सम सम कितना आएगा,
थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो एक्यूट एंगल बनाएगी। ये देखिए कंस्ट्रक्शन के ये जो होते हैं ये तरीके हैं, ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा जो लाइन सेगमेंट इससे एक एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ओके। आप ऊपर बनाइए नीचे बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक्यूट एंगल बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये सपोजिट लाइन एक्स है, ठीक है। अब मैं लाइन एक्स को फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फाइव इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूंगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहां पे ले सकते हैं वन मीटर या टू मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो डिवीजन होगा, तो मैंने मान लीजिए एक डिवीजन किया ए वन, ए डैश इसको मैं ले लेता हूँ या ए वन ले लेता हूँ। अब ए ए वन की जो लेंथ है वो सेम हम डिवाइड करेंगे इस लाइन को, ओके, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सो जो ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव, ये एक पॉइंट मिल गया आपको। देखिए यहां पे क्या होगा, ए वन इक्वस टू ए वन ए टू इक्वस टू ए टू ए थ्री इक्वस टू ए थ्री ए फोर इक्वस टू ए फोर ए फाइव। मीन्स ये सारे इक्वल हैं और इनको मैं सम करूंगा तो किसके इक्वल होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं बट ये डिवीजन जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि अब मैं A5 को क्या करूंगा, A5 को मैं ज्वाइन करूंगा किससे, B से, ओके। मैंने A5 को ज्वाइन कर लिया B से, मैंने A5 को ज्वाइन कर लिया B से, ओके। अब देखिए आपको दिया है कि 3:2 की रेशियो में, तो आपका जो पॉइंट है वो है 3। तो मैं क्या करूंगा, BX के पैरेलल, BX के एक पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा, कहां से, A3 से। तो ये मैं लिया और इसके पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इसको कट करेगी, वो लाइन यहाँ पे कट करेगी, इसके पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये, ओके, सपोज दैट इसने सी पे कट किया। तो जो AC जो लेंथ है और आपको एक लेंथ मिल गया यहाँ पे CB, तो जो इनका रेशियो होगा वो होगा 3:2। सिंपल सा फंडा है। अगर बोलता कि इस लाइन को 2:3 की रेशियो में कनेक्ट करना है तो मैं क्या करता, यहां पे 2 वाले पॉइंट को BX के पैरेलल ड्रॉ करता, BX के पैरेलल। तो जो ये रेशियो है ये है 2 हो जाएगा और जो यहां से ये हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बेसिक सा फंडा है, एक लाइन आपको एक्यूट एंगल बनाती हुई पॉइंट A से ड्रॉ करना है, उस लाइन को 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना है और लास्ट का जो डिवीजन है उसको पॉइंट बी से, जो लाइन का पॉइंट है उससे मैच करना है, एक लाइन ड्रॉ होगी। कोई भी रेशियो निकालना है उस पॉइंट से, आप उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए जो ए बी लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट उस लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, BX=3C। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। अब नया जो इसमें एक सेकेंड आपका टॉपिक आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रेंगल सिमिलर टू गिवन ट्रेंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या होता है, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक कार का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक टॉय होता है और एक एक्चुअल कार होती है, टॉय कार और एक्चुअल कार। अब देखिए
टॉय कार के जो डायमेंशन होती है, अगर एक्चुअल कार की डायमेंशन सपोज दैट ये एक्चुअल कार है, ओके, और मैं स्केल करके इसको मैं बना दिया ये, तो देखिए कार दोनों है, बट अगर इसकी डायमेंशन अगर मैं देखूं, अगर ये मान लीजिए कि 10 मीटर की है, तो ये कितने की है, सपोज दैट 1 मीटर की है, तो जो स्केल हुआ है वो क्या हुआ है, 10:1, 10:1 की रेशियो में स्केल हो गया, मतलब गाड़ी देखने में सेम लगेगी लेकिन जो डायमेंशन होगी वो सारी क्या होगी, 10 की रेशियो में वो कम हो जाएंगी, तो इसको स्केल बोलते हैं। तो स्केल या तो दो टाइप के होते हैं, या तो स्मॉल या लार्ज, या तो आप क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे या उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे। अब जैसे बड़ा क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कोई पेपर, अगर किसी बिल्डिंग का या किसी घर कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पेपर ले लिया, मैंने इस पे क्या किया उसकी डायमेंशनिंग कर दी, लेकिन एक्चुअल में जो दिखने पे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, इसको हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं। स्केल मीन्स अगर यहाँ डायमेंशन 5 है तो हम इसको हमें भी बताते हैं कि हमको इसको 50 मीटर का हाइट का बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये बेसिक सा स्केल है। तो जो ट्रेंगल है, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जो ट्रेंगल है उसको क्या है, उस ट्रेंगल को स्केल करना है। अब सपोज दैट एक ट्रेंगल दे दिया एबीसी, गिवन ट्रेंगल एबीसी, अब बोल दिया इस ट्रेंगल को 3/4 के इसको 3/4 के रेशियो में बनाना है, एक नया ट्रेंगल जो हो जाएगा ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ओके। अब देखिए इसको कैसे कर, इसको इसका बेसिक हम हमें करना कैसे है, मैं एक ट्रेंगल ले लेता हूं, ओके, दिस इज ट्रेंगल ए बी एंड सी, ओके, ये ट्रेंगल आपका हो गया ए बी सी। अब इस ट्रेंगल को हमें स्केल करना है 3/4 की रेशियो में, सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। जैसे हमने लाइन को स्टार्ट किया था वैसे हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया बी से एक्यूट एंगल बनाती हुई, एक लाइन मैंने बी से एक्यूट एंगल बनाती हुई ड्रॉ किया, ओके, बी एक्स मान लिया बी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमेशा यह ध्यान रखना है इसमें से जो लार्जर होता है, ओके, लार्जर को मैं लूंगा, लार्जर क्या है यहाँ पे 4 है, मैं इस बी एक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ओके, ये हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा बी थ्री, ये हो जाएगा बी फोर। अब मैं क्या करूंगा, बी वन बी फोर को सी से मैं मैच कर दूंगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं लाइन का ही मैं यूज कर रहा हूं, कर दिया। अब हमें किस रेशियो में करना है, 3/4 रेशियो में, मतलब मीन्स ट्रेंगल छोटा होगा, 3/4 रेशियो मीन्स ट्रेंगल छोटा होगा। तो मैं 0.3 को लिया और CB4 के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे CB4 के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन इसको यहाँ पे कट की, किस पे, सी डैश पे। अब तो हमारे हमें पॉइंट मिल गया, ये जो लाइन है ये लाइन क्या हो गई, 3, और टोटल मतलब अगर मैं BC' / BC करूंगा तो ये 3/4 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा ये एक पॉइंट मिल गया, लेकिन हमें ओवरऑल ट्रेंगल को, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट सी डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, पॉइंट सी डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट को कहां कट कर रही है, ए डैश पे। स्टूडेंट देखिए जो मेरा ट्रेंगल बना, ये जो ट्रेंगल है यही तो मेरा ट्रेंगल जो बना है यहाँ पे, यही मेरा ट्रेंगल स्केल ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल बना है यही मेरा स्केल ट्रेंगल है, ओके, ये जो ट्रेंगल बना है। तो अगर रेशियो में निकालूंगा ट्रेंगल बी
सॉरी ए डैश बी सी डैश डिवाइडेड बाई ट्रेंगल ए बी सी प्लस टू 3/4, ये रेस्टेंगल की रेशियो में बता रहा हूँ। तो बेसिक फंडा है, आपको एक्यूट एंगल एक्यूट लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन को जो लार्जर आप होगा 3/4 में लार्जर ये है, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो छोटा करना था, अगर हमें इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, सपोज दैट ये दे दिया 5/4। तो स्टूडेंट बड़ा करने के लिए भी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सपोज ये ट्रेंगल आ गया, अब इस ट्रेंगल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो यहाँ से एक इक्विटेंगल लाइन बनाएगी। ओके, अब मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, 3/ ये आपका आ जाएगा 5/4, 5/ जो इसका फोर्थ पॉइंट होगा, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड मर्ज कर दूंगा। अब फिर हमें क्या करना है, इनलार्ज करना है, तो मैं इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करूंगा और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। ओके, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ से उसने इसको इस पॉइंट पे कट किया। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक लाइन इस एसी के पैरेलल ड्रॉ करूंगा, एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूंगा। तो ये ए डैश हो गया, ये सी डैश हो गया। तो जो ए डैश सी डैश सॉरी ए बी सी डैश जो होगा ट्रेंगल, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए बी सी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 4/5 क्यों किया है, कि आपको इनलार्ज करना है तो उसके पहले वाले पॉइंट को ही आप ज्वाइन करोगे। आपको जो कॉन्टेक्ट करना है तो आपको एंड पॉइंट से करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्योमेट्री बनानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और आता है जो टेंजेंट ड्रॉ करने का। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने का सिंपल बहुत फंडा होता है, टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आउटसाइड इट, इनसाइड से किसी ट्रेंगल पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सपोज दैट एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के थ्रू भी हेल्प मिलेगा, एक दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट पी है। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सिंपल सा फंडा है, इसमें क्या करना है आपको, पॉइंट पी से इसको ज्वाइन कर देना है। सपोज दैट ये ओ है। ओके, अब इस लाइन को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, कितने हाफ पार्ट में। देखिए हाफ पार्ट में किसी लाइन को सेगमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, मैं फर्स्ट बताता हूं। आप क्या कर लीजिए कि पीओ पीओ जो है वहां से एक बार पॉइंट वो को पॉइंट पी को पीओ एक हो जाएगी, डायमीटर लीजिए और पॉइंट पी को ओरिजिन मारिए और एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे। ओके, और फिर ओ को एक बार डायमीटर लीजिए और एक सर्कल बनाइए, ओ को एक पॉइंट ओरिजिन ले लीजिए, ये जो पॉइंट कट करेगा इन दोनों पॉइंट को आप जो मर्ज कर देंगे तो ये एक पॉइंट एम पे कट करेगा जो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दूसरा तरीका, एक यहाँ पे एक्यूट एंगल लाइन बनाइए। ओके, फर्स्ट सेकेंड दो पॉइंट में कट करिए, उसके बाद इसको ज्वाइन करिए, इसके पहले एक लाइन जो ड्रॉ करिए, तो ये भी यहाँ पे कट करिए, दोनों साइड से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट मिल गया, अब मैं पॉइंट एम से ओपी, पॉइंट एम से एमओ, पॉइंट एम से एमओ एक रेडियस लूंगा और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ओके, सर्कल ड्रॉ हो गई। अब स्टूडेंट्स जो ये सर्कल है, ये इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट की, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सर्कल बनाने में दिक्कत हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। ओके, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा,
क्योंकि दोनों पॉइंट सर्कल का सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल, ओके, एक पॉइंट यहाँ पे इसने कट की और एक पॉइंट इसने यहाँ पे कट कर, सिंपल सा फंडा है। पॉइंट पी को लीजिए और एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, और फिर पॉइंट पी को लीजिए, एक सॉरी एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो ये मान लीजिए कि ओ डैश और ये हो गया ओ डबल डैश, तो जो पीओ डैश एंड पीओ डबल डैश है ये दो टेंजेंट हो गए। सिंपल सा फंडा है, किसी भी पॉइंट से ओरिजिन को आप ज्वाइन करिए, उस लाइन को आप क्या कर दीजिए, मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करिए, उस बाइसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानिए, और जो सर्कल का ओरिजिन है उसे लेके एक सर्कल ड्रॉ करिए, उस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, उन दोनों पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट जो पी है उसे ज्वाइन कर दीजिए, वही आपका टेंजेंट हो गया। बेसिक फंडा, कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा हार्ड है, आप बस समझिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे। इसमें बोला है, ठीक है, थियरी पार्ट ज्यादा नहीं था, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन उनके ऊपर ये आते हैं एग्जाम में और ये आपको ध्यान रखना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ओके, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए जिसकी लेंथ कितना बोला है 7 सेंटीमीटर, ए एंड बी, ओके। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। बोला कि इसमें आप ए को ओरिजिन मानिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ओके, और बी को आप मानिए ओरिजिन और एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसकी सेंटर होगी कितना 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, यहाँ लेते हैं इसको, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, ये हो गया बी, इसका जो रेडियस है वो कितना है 2, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 3। अब देखिए बोला है ड्रॉ करिए, और पॉइंट ए से बी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट बी से ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यही आपको क्वेश्चन दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लाइन ए बी को मैं बाइसेक्ट करूंगा, ओके, सपोज दैट इसने यहाँ बाइसेक्ट की, क्योंकि 7 सेंटीमीटर है तो बाइसेक्शन कहाँ होगा 3.5 पे, सपोज दैट ये बाइसेक्ट हुआ किस पे, ओ पे। अब ओ ए आर ओ बी का एक सिंपल सा सर्कल बनाइए, जो सर्कल दोनों सर्कल को कट करेगी। अब मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ओके, मैंने इसको ओरिजिन माना और एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब ये सर्कल अब देखिए, एक यहाँ पे कट कर रही है स्मॉलर सर्कल को और लार्जर सर्कल को यहाँ पे। अब सिंपल सा फंडा है, बोला कि पॉइंट ए से स्मॉलर सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, यही आपको क्वेश्चन में दिया है, और पॉइंट बी से बड़े सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ओके, पॉइंट बी से बड़े सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है,
जो ई ओरिजिन होते हुए जाएगा, और सिमिलरली तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वन वन टू, और एक बनेगा ये थ्री एंड वन फोर। तो टेंजेंट ए, टेंजेंट फ्रॉम ए टू 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 सेंटीमीटर सर्कल कौन सा हो जाएगा, वन एंड टू। सेकेंड है टेंजेंट फ्रॉम बी टू थ्री सेंटीमीटर सर्कल, ये हो जाएगा थ्री एंड फोर। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये इतना ध्यान रखना है कि तुमको किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करिए, उस लाइन को बाइसेक्ट करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए जो सर्कल दोनों सर्कल को फोर डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी, और आप बी से लार्जर सर्कल के उस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसे स्मॉलर सर्कल को जो पॉइंट कट किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था आपका प्रीवियस ईयर का, ये कंस्ट्रक्ट ने इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर। देखिए वो आपका जो कंस्ट्रक्शन था वो टेंजेंट का था, ये सर ये आ गया ट्रायंगल का। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/2, ये लार्ज की बात कर रहा है, टाइम्स कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैंने आपको थ्योरी बताया है और इसको हम वहां पे यहाँ पे रिवाइज भी करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसकी साइज क्या है, फाइव फाइव एंड फाइव। ट्रायंगल है ए एंड बी सी, बोला कि एक डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ करो आप, कौन सा, जिसकी साइड 3/5, स्केल कितना है 3/2, सॉरी 3/2। इट मीन्स ये इसको हमको क्या करना है, स्केल इनलार्ज करना है, इनलार्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आपको पहले बताया मैंने, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे एक यू ट्रायंगल बनाते हुए, ओके एक्स, इसको मैं लार्जर लूंगा, इसका थ्री डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ओके आपको जैसे करना वैसे करिए, ठीक है, थ्री डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं अब छोटे वाले को टू, ये हो गया बी वन, ये हो गया बी टू, ये हो गया बी थ्री, बी टू को मैं सी से डिवाइड ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, बी थ्री से, बी थ्री से एक मैं सी बी टू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके और इसको एक्सटेंड करूंगा, ये कट किया यहाँ पे, फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा किसके, ए सी के, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर लीजिए, इन्हें कट किया ए डैश, इधर कट किया सी डैश। तो ये जो आपका बनेगा ए डैश बी सी डैश, वही आपका सर्कल होगा जिसकी साइड 3/2 टाइम्स साइड ऑफ ए बी सी, ओके। अगर इसके साइड 5 है तो 5 × 3/2 ये हो जाएगा 15/2, इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एक इसी में दिया है, और ड्रा टू कंसेक्टिंग सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट पी, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन द आउटर सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट पी एंड बी बी टू द स्मॉलर सर्कल मेजर पी ए, मेजर पी ए। इसमें बोला है कि दो सर्कल हैं लेकिन कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर जो होगा वो सेम होगा, एक ये सर्कल हो गई और एक कि रेडियस डिफरेंस होना चाहिए और 3 मीटर के आसपास होना चाहिए। ये रेडियस दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है।
ये जो है वो रेडियस हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, और ये इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें एक पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे, इससे 2 वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, बेसिक जो स्टेप है इसको हमने ओ को ज्वाइन किया, इसको बाइसेक्ट किया, और फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, जो सर्कल छोटे वाले ट्रेंगल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, और पॉइंट पी से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा जो टेंजेंट हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो बेसिक फंडा बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। ये पीए हो गया, ये बी हो गया, बोल रहे मेजर। अब देखिए इसमें दो चीजें होती है, आपको पता है कि हमेशा जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट से अगर ओरिजिन पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपको हमने पहले बताया था जब सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये जो लेंथ है, ये लेंथ बोला पीए मेजर करना है, तो ये 2 हो गया, ये कितना है स्टूडेंट्स, ये 5 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं ना, पीए स्क्वायर इक्वल्स टू पीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। पीओ स्क्वायर है 5 का स्क्वायर प्लस एओ है 2, तो 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 29। पीए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29। ये आंसर हो गया आपका। तो फ्रेंड्स ये हमने जो देखा अभी, हमने देखा क्या कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू, बी हैप्पी एंड